तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ से देखने वाले हैं मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं का आपका अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं का आपका अर्थशास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा और आप सबको इसकी तैयारी को कैसे कर लेना है। आप सभी लोग दोस्तों यहाँ से इसको देख सकते हो, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं का विषय अर्थशास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर आज हम यहाँ से ऐसे देखने वाले हैं। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। देखिएगा दोस्तों, पूरा का पूरा ये हमारे पास में मौजूद है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 का आपका अर्थशास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर, जिसे कि आज हम पूरा हल सहित यहाँ से देखेंगे। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देख कर जरूर जाएँ, तभी जाके आपको पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सोल्यूशन आपको समझ में आ पाएगा। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सोल्यूशन को कि आप को अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 के अर्थशास्त्र के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कैसे प्राप्त कर लेना है। देख सकते हो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर आज मैं यहां से आपको बताने वाला हूं, आप सभी लोग इसको अच्छे से जरूर देख लेंगे और समझ लेंगे। टोटल आपका क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार का परीक्षा में पूछा जाएगा जैसा कि आज मैं यहां से आपको बताने वाला हूं। तो चलिएगा वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 का आपका अर्थशास्त्र का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का परीक्षा में आपसे पूछा जाना है और आप सबको इसकी तैयारी को कैसे कर लेना है। तो देख सकते हो दोस्तों, टोटल आपका जो क्वेश्चन पेपर परीक्षा में आया है ये बिल्कुल इसी प्रकार का आपसे पूछा गया है जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। देख सकते हो आपका पूर्णांक होगा 80 अंकों का और समय दिया जाएगा 3 घंटे का। 1 by 1 करके दोस्तों यहाँ से हम सभी प्रश्नों के उत्तर को नोट कर लेते हैं। तो देखिएगा इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 1 को देखेंगे, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प कैसे आपको चुन लेने हैं और ये आपसे 1 × 6 अंकों में पूछे जाएंगे। देखिएगा सही विकल्पों में पहले सही विकल्प को देखते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है क्या होती है, उपरोक्त सभी व्यक्तिगत इकाइयां, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत समूह और उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है। तो यहाँ से आपको लिख लेना मिश्रित अर्थव्यवस्था में। और इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता कैसी होती है, शून्य होती है। यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे। और उसी के नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसी वस्तुएँ जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है क्या कहलाती है, इनको कहते हैं स्थानापन वस्तुएँ। और उसी के नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मांग की कीमत लोच कितने प्रकार की होती है, तो ये दोस्तों 5 प्रकार की होती है। और उसी के नीचे यहां से क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे गए हैं, देखिएगा क्या लिखा है, मांग की कीमत लोच से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ से आप सभी लोग इन प्रश्नों को नोट कर लेंगे। देखिएगा कीमत लोच से क्या अभिप्राय है, कीमत के परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन को कीमत लोच कहते हैं। यहाँ से आप सभी लोग इन चीज़ों को नोट करते चलें। पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर दोस्तों अर्थशास्त्र विषय का इसी प्रकार का परीक्षा में पूछा जाएगा जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो पूरा का पूरा हमारे पास में मौजूद है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 का आपका अर्थशास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर, जिसे कि आज हम पूरा हल सहित देख रहे हैं। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहां तक कि हमने इन प्रश्नों को नोट कर लिया था, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान वगैरह सब कुछ अपने हो चुके थे। अब रिक्त स्थान के बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ से अब आगे देख सकते हो, यहाँ से सही जोड़ी बनाइए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आपसे सही जोड़ी का मिलान पूछा गया है, आप सभी लोग यहाँ से सही जोड़ी को देख लेंगे और समझ लेंगे। देखिएगा पहले नंबर की सही जोड़ी में क्या लिखा है, आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लें और समझ लें। टिका वस्तु, इसकी जोड़ी का मिलान आपको रेफ्रिजरेटर से कर लेना है। सकल घरेलू उत्पाद, इसकी जोड़ी का मिलान आपको GDP से कर लेना है। और उसके अलावा शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसकी जोड़ी का मिलान आपको NDP से कर लेना है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसको कहते हैं GNP, और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसको कहते हैं दोस्तों NNP। और उसी के अलावा प्राथमिक क्षेत्र क्या होंगे, कृषि तथा संबंधित क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र हो जाएंगे। और द्वितीयक क्षेत्र क्या होंगे, तो यहाँ से आपको लिख लेना है, द्वितीयक क्षेत्र को कहते हैं दोस्तों निर्मित क्षेत्र। इस प्रकार से आप सभी लोग इनको नोट कर लेंगे। टोटल आपका जो क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में आएगा ये बिल्कुल इसी प्रकार का आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों मैंने यहाँ से आपको बताया है। आप सभी लोग इसको देख पढ़ो समझ सकते हो। टोटल आपका क्वेश्चन पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं का इसी प्रकार का आएगा जैसा कि मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। आप एक एक चीज़ों को यहाँ से
नोट कर सकते हो। टोटल आपका क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में इसी प्रकार का आपसे पूछा जाएगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो सही जोड़ी बनाइए, ये आपसे पूछी गई थी, ये मैंने आपको बता दिया है। अब सही जोड़ी के बाद में अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर चार को देखते हैं। प्रश्न नंबर चार में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे, आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लेंगे। मुद्रा वे है जो मुद्रा का कार्य करे, ये आपका सत्य है। चेक, हुंडी, बिल आदि साख मुद्रा के उदाहरण हैं, ये आपका असत्य होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में इच्छाओं का दोहरा संयोग आवश्यक होता है, ये आपका सत्य है। और उसी के नीचे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कीन्स का रोजगार सिद्धांत प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर है, ये भी आपका सत्य होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उपभोग एवं आय का संबंध उपभोग फलन कहलाता है, ये आपका असत्य होगा। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ से इनको देख सकते हो क्या लिखा है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार मजदूरी में कटौती बेरोजगारी को बढ़ा सकती है, तो ये बिल्कुल सत्य लिखा है। आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लेंगे। देखिएगा पूरा का पूरा अर्थशास्त्र का पेपर आपके सभी जिलों में इसी प्रकार का पूछा जाएगा, आप सभी लोग यहाँ से इसको पूरा देख कर जरूर जाएँ। देखिएगा आप आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर पाँच को देख लें। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर को आप लोग कैसे नोट करेंगे, आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लेंगे। MPC का अर्थ लिखिए। तो MPC का अर्थ होता है मौद्रिक निष्ठ समिति, यहाँ से आप लोग नोट कर लें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। MPS का अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। SBI का पूर्ण रूप लिखिए। तो इसको कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। साख का क्या अर्थ है, तो यहाँ से आपको लिख लेना क्रेडिट। CRR क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। और उसी के अलावा आगे देख सकते हो यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे परीक्षाओं के पेपर में पूछे गए हैं, आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लें। देखिएगा बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है, ये क्वेश्चन का उत्तर आपको दो अंक में पूछा गया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र लिखिए, ये भी आपसे पूछा गया है। उपयोगिता किसे कहते हैं, ये भी पूछा गया है। सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखिए। सामान्य वस्तुएं किसे कहते हैं, निम्न स्तरीय वस्तुएं किसे कहते हैं, आप सभी लोग यहाँ से इन प्रश्नों को याद कर लेंगे। और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से प्रश्न नंबर 9 से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उत्पादन फलन से क्या अर्थ है, कुल उत्पादन से क्या अर्थ है, बाजार का अर्थ लिखिए और पूर्ति का अर्थ लिखिए। पूर्ति की लोच किसे कहते हैं, श्रमिक की मजदूरी दर किसे कहते हैं, पारिवारिक क्षेत्र किसे कहते हैं, मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं, पूंजीगत वस्तुएँ किसे कहते हैं। मुद्रा का अर्थ लिखिए। व्यावसायिक बैंक किसे कहते हैं, समग्र मांग का अर्थ लिखिए। गुणक किसे कहते हैं, सकारात्मक तथा आदर्श अर्थशास्त्र की तीन अंतर लिखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूरे पूछे जाएंगे, आप सभी लोग यहां से इन प्रश्नों को देख लेंगे और नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 17 को देख लें। पूर्ण प्रतियोगिता की तीन विशेषताएं, प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र में अंतर आपको बताने हैं। मुद्रा के प्राथमिक कार्यों को समझाइए। व्यापारिक बैंक कैच के तीन कार्यों को लिखिए। और इसी के अलावा आगे के प्रश्नों को देख सकते हो। पूरा का पूरा आपका जो पेपर होगा ये बिल्कुल इसी प्रकार का होगा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है। प्रश्न नंबर यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ये 21 और ये 22 नंबर का क्वेश्चन रहा आपका, और ये 23 रहा। थोड़ा सा कटा हुआ जरूर है, मगर पूरा का पूरा इसी प्रकार का आपसे पेपर में पूछा जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ से आपको पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर बता दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।